वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि शरीर में प्रोटीन की कमी के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक उनके शरीर में प्रोटीन की कमी के बने रहने के कारण उनको काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में प्रोटीन की कमी के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। पेट का बढ़ जाना, थकान का रहना, नाखूनों का खराब हो जाना, चिड़चिड़ापन रहना, सूजन और त्वचा का फूल जाना, बच्चों की लंबाई का ना बढ़ना, बार बार संक्रमण की चपेट में आ जाना, मांसपेशियों में कमजोरी का आ जाना, त्वचा में सूजन और लाल चकत्तों का पड़ जाना, बालों का रूखा हो जाना या कमजोर हो जाना या टूटना या अपना रंग खो देना। तो भाइयों, शरीर में प्रोटीन की कमी के हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपको यह लक्षण हैं तो आपको तुरंत ही एक खून की जांच को करा लेना चाहिए। आपको सीरम प्रोटीन टोटल का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। भाइयों, अगर आपको इस जांच में प्रोटीन की कमी आती है तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं और कुछ और जांचों को कराकर सही डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों, आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।